हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सब्यसाची ब्लाउज़ का स्टिचिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं उसको किस तरह से स्टिचिंग करना है। देखिए, मैं ये अस्तर के साथ ये इसके ब्लाउज़ पीस को अटैच कर लिया। ये पार्ट को, सभी पार्ट को मैंने जॉइंट कर लिया। और देखिए, बैक साइड को मैं इस तरह से डिजाइन करने वाली हूँ। ये कपड़ा के ऊपर मैंने इसको अटैच कर लिया, बकरम का ऊपर। और स्लिप्स को भी मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ। देखिए इस तरह से, जो डायमंड शेप का है उस तरह से इसको, इस तरह से उसको सिला के लेना है। फिर इसको अंदर से पार्टी करके लेना है, फिर इधर बटन लगाना है। मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला तो सब अटैच करके ले रही हूँ, और बैक साइड को भी वो गला पट्टी लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। पहला तो देखिए, ये पार्ट है, ये गले का आगे का पार्ट है। और ये देखिए नीचे का कटोरी का, ये दोनों पार्ट को इस तरह से रख के उसको सिला के लेना है। देखिए इस तरह से पाव इंच पकड़ के उसको सिला के लेना है। देखिए ये जो कटोरी है इसको डबल टिप लगा के लेना है, और आराम से उसको सिला के जाना है। देखिए कुछ तरह, इस तरह से जो कटोरी का शेप है इस तरह से है। मैं दूसरा भी जॉइंट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं दोनों कटोरी को इस तरह से अटैच कर लिया, और आराम से उसको सिला के जाना है। और इसका अगर कटिंग देखना है तो मेरा चैनल पे मिल जाएगा आपको। अभी देखिए ये जो पार्ट है, ये कटोरी से कटोरी के साथ अटैच करके लेना है। उसको भी इस तरह से आराम से उसको अटैच करके लेना है। लगाने के बाद मैं देखिए कटोरी को मैं इस तरह से इसके साथ अटैच कर लिया डबल टिप लगा के। और जितना कपड़ा एक्स्ट्रा होती है वो काट के लेना है। अभी यहाँ से आप डिज़ाइन भी इस तरह से कर सकती हो, यहाँ से डिज़ाइन भी आपको चाहिए तो इसको भी कर सकती हो। फिर मैं दूसरा जॉइंट करके आपको दिखाती हूँ। और देखिए आगे से मैं हुक लुक लगा रही हूँ। देखिए मैं स्लिप्स को इस तरह से उसको टिप लगा के लिया डिज़ाइन के लिए। देखिए इस तरह से अस्तर को लग के, देखिए इस तरह से रख दिया। ये सीधा है, देखिए ये उल्टा है, तो सीधा वाला इसका अंदर है। देखिए इस तरह से टिप लगा के लिया दोनों स्लिप्स को। अभी इसको काट करके पलटी करके लेना है। देखिए मैं बैक साइड को डिज़ाइन करने वाली हूँ, तो इस तरह से मैं उसको डिज़ाइन को काट के लिया। जो नीचे का बॉर्डर है उसको मैंने काट के लिया इस तरह से। फिर उसको ऊपर इस तरह से कैनवा बकरम को इस तरह से मैं लगा के इसके साथ ही लिया। अभी देखिए लगाने के बाद ये सीधा तरफ है अंदर, और लगाने के बाद देखिए मैं छोटा छोटा इसको काट लगा के लिया। लगाने के बाद ये आसानी से पलटी हो जाएगा। देखिए मैं इस तरह से पलटने के बाद फिर इस तरह से है उसका, ये कैनवास साथ में ही है। अभी साइड में मैं टिप मार के ले रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं उसको टिप लगा के लिया। अभी जो बैक साइड है देखिए, ये उसका सीधा है, लेकिन मैं ये पलटी तरफ से उसको ये लगाने वाली हूँ। अभी देखिए ये मैं लगा लिया। अभी इसको काट के ले रही हूँ। काट के लेने के बाद उसको इस तरह सीधा करके ले रही हूँ। देखिए पार्टी करने के बाद ये सीधा तरफ आ गई, और इस तरह से इसका डिज़ाइन है। आप चाहे तो इस साइड में लेस भी लगा सकते हो, और इसका अलग डिज़ाइन भी कर सकते हो। आप चाहे तो इसको पाइपिंग भी कर सकते हो। मैं पाइपिंग नहीं किया, ये पट्टी को मैं इस तरह से पार्टी करके इस साइड में लेके आई, तो इस तरह से गला का शेप आ गई। देखिए आगे से मैंने इसको हुक लुक लगा लिया ये दोनों साइड में। मैं आगे हुक लुक बना रही हूँ, आप चाहे तो बैक साइड में भी लगा सकते हो। मैं आगे से लगा रही हूँ। और देखिए बैक साइड में जो मैंने डिज़ाइन किया उसको पर मैं लेस भी लगा लिया। आप चाहे तो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, मैंने लगा लिया। ये स्लिप्स को मैंने अस्तर को अंदर का तरफ पलटी करके लिया, फिर इसको इस तरह से मैंने इसको टिप लगा के लिया। यह मैं बटन लगाने वाली हूँ, और यह थोड़ा रिफिल जैसा लगा के दिखाती आपको। अभी देखिए आगे का जो गला है उसको पट्टी लगा के लेती हूँ। देखिए मैं इसको हाथ से मैंने उसको तुरपाई कर लिया पट्टी को इस तरह से दोनों। फिर इस तरह से आगे का जो लुक है इस तरह से है उसका। और फिर मैं इसको स्लिप्स लगा, शोल्डर लगा के स्लिप्स लगाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए मैं शोल्डर के साथ स्लिप्स अटैच कर लिया, और ये मैं प्लेट्स इस तरह से उसको प्लेट्स डालने वाली हूँ। फिर उसको ऊपर से मैं ये जो लेस है इसको भी मैं इस तरह से उसको डालना है। तो मैं पहला प्लेट्स को बिठा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ।
देखिए मैं कपड़ों को फोल्ड करके इस तरह से उसको प्लेट्स डाल दिया स्लिप्स को। अभी देखिए ये जो बॉर्डर है मैं इस तरह से उसको टिप लगा के लिया, ये दोनों तरफ इधर पैक है। देखिए इस तरह से मैं बॉर्डर को लगा लिया। इस तरह से टिप लगाने के बाद देखिए मैं इसको इसका अंदर डालने वाली हूँ। इस तरह से डाल के इसको इस साइड में पैक करने वाली हूँ। फिर आप चाहे तो इसको पलटी करके इस तरह से ला सकती हो। देखिए मैंने ये प्लेट्स को इस तरह से रखा, उसको पूरे इस तरह से उसको लगा लिया। देखिए साइड से भी नहीं दिख रही, इस तरह से मैं लगा लिया। लगाने के बाद यह मैं बटन लगा के दिखाती हूँ। देखिए स्लिप्स को कुछ इस तरह से मैं उसको डिजाइन कर लिया, पूरा होगा स्लिप्स का जो डिज़ाइन है, ये स्लिप्स का डिज़ाइन है। देखिए इस तरह से आप चाहे तो ये रिफिल को यह भी लास्ट में भी लगा सकते हो। मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया, मतलब आगे से लगाया मैंने, मुझे इसे इस टाइप का चाहिए था इसलिए मैं इस तरह से लगाया। अभी उसको फिटिंग करके लेती हूँ। देखिए इस तरह से गले के लुक है और ये स्लीव से मैं फिटिंग कर लिया। आपका हिसाब से फिटिंग कर लीजिए, कमर पे भी मैं टिप लगा के उसको फिटिंग कर लिया। आपका हिसाब से फिटिंग कर लीजिए। अगर इसका कटिंग आपको देखना है तो मेरा चैनल पे मिल जाएगा। देखिए इसके स्लीव से बहुत ही खूबसूरत है ये ब्लाउज़। देखिए आगे का पार्ट है इस तरह से, आगे का इस तरह से लुक है। देखिए मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से आगे का जो लुक है इस तरह से है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। और देखिए ये कोटरी का जो शेप है ये बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए उसका फाइनल लुक है, ये बैक साइड है। और वीडियो का अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।